मुरादाबाद के एक होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर चार लोगों को लिया हिरासत में। होटल मैनेजर और स्टाफ फरार। लखीमपुर खीरी में खस्ता हाल सड़कें। स्थानीय लोगों ने लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क जाने वाली रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जालौन जिला अस्पताल में बिजली न होने से मरीज बेहाल। पिछले 24 घंटे से नहीं है अस्पताल में बिजली। मुख्यमंत्री को घेरने जा रहे शिक्षा मित्र हमीरपुर में गिरफ्तार। गिरफ्तार शिक्षा मित्रों को पुलिस लाइन में रखा गया। पुलिस हिरासत में बैठे ये दोनों युवक मुरादाबाद में ऐश्वर्या होटल से पकड़े गए हैं। इनको पुलिस ने दो लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट के आरोप में पकड़ा है, इसीलिए ये लोग अपना मुंह छिपा रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि उनको काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि होटलों में सेक्स रैकेट चल रहे हैं। बीती रात जब पुलिस ने होटल में दबिश दी तो होटल से ये दोनों युवक और दो युवतियां हिरासत में ली गई हैं। देखिए, आज पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के एक होटल ऐश्वर्य में लड़के लड़कियां कुछ मौजूद हैं जो कि अनधिकृत रूप से हैं। वहां पर कुछ सूचना देह व्यापार संबंधी मिली, इसके आधार पर वहां मौके पर जो है चौकुंचा बुधवा जैसा राधेश्याम ने महिला पुलिस फोर्स वगैरह को हमराह लेकर वहां पर दबिश दिया, तो मौके पर दो लड़के और दो लड़कियां पकड़े गए, जिसमें कि जिनको पकड़ के ला गया, जिनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिए गए चारों लोगों के खिलाफ पुलिस ने लिखा पढ़ी करनी शुरू कर दी है। साथ ही फरार हुए होटल के मैनेजर और स्टाफ की भी तलाश शुरू कर दी गई है। मुरादाबाद से विनीत शर्मा, न्यूज 75.in।